तो यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में बहुत सारे यहाँ पे पहले से हम लोग को मेथड मिलते हैं स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन इसको बोला जाता है, जिसमें हम लोग अपने स्ट्रिंग को बेटर हैंडल कर सकते हैं। अगर हम लोग को किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, ठीक है, इक्वालिटी चेक करना है, ठीक है, अपर केस में चेंज करना है, लोअर केस में चेंज करना है, सब स्ट्रिंग हम लोग को क्रिएट करना है, वो सारी चीजों के लिए हम लोग को मेथड पहले से अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे मेथड देखेंगे। सबसे पहला है कैर एट, सबसे फर्स्ट मेथड है यहाँ पे कैर एट, और यहाँ पे हम लोग को एक पैरामीटर यहाँ पास करना होता है, इंट इंडेक्स। हम लोग को इंडेक्स वहां पे पास करना होता है इस कैरेट मेथड में, ठीक है। और क्या रिटर्न करेगा हम लोग को, एक कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न स्क्वायर वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर इंडेक्स। जो भी हम लोग इंडेक्स डालेंगे उस इंडेक्स का हम लोग को कैरेक्टर रिटर्न करेगा। अब जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल बताया था, कल मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, एग्जाम्पल क्या बनाए थे हम लोग ने, ये वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था। इस एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने तीन स्ट्रिंग बनाया था, स्ट्रिंग S1 जिसमें हम लोग ने जावा स्टोर किया था, ठीक है। फिर देन उसके बाद हम लोग एक कैरेक्टर का एरे बनाए थे, देन उसके बाद एक न्यू स्ट्रिंग हम लोग बनाए थे साई कॉलेज। अब जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग बनता है, जैसे कि एरे में होता है, सेम वैसे यहाँ पे हर एक कैरेक्टर का एक इंडेक्स होगा। हर एक कैरेक्टर का क्या होगा, एक इंडेक्स होगा। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होगा जीरो से। लाइक यहाँ पे अगर साई कॉलेज की हम लोग बात करें, इस साई कॉलेज का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। एस के लिए रहेगा 0, ए के लिए रहेगा 1, आई के लिए रहेगा 2, फिर स्पेस के लिए रहेगा 3। इस टाइप से हम लोग को यहाँ पे इंडेक्स मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग डाल रहे हैं इंडेक्स 4, तो कौन सा हम लोग को आउटपुट मिलेगा बताओ तो। ओके, वापस से हम लोग इसमें आते हैं और नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, इंट लेंथ। लेंथ मतलब क्या होता है कि हम लोग की स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। अगर मान के चलिए कि कोई भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे हम लोग लिखे जावा, तो उसका लेंथ क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, JAVA, ठीक है। जितने भी कैरेक्टर्स होंगे इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस वो काउंट करेगा, ओके। और हम लोग को इंटीजर में वो वैल्यू रिटर्न करेगा। लेंथ हमेशा रिटर्न स्ट्रिंग लेंथ, जो हम लोग को इंटीजर वैल्यू में लेंथ रिटर्न करता है। नेक्स्ट मेथड है स्टैटिक स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग फॉर्मेट और ऑब्जेक्ट्स आर्गुमेंट्स, यहाँ पे हम लोग को एक दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने स्ट्रिंग को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में वहां पे अरेंज कर सकते हैं। रिटर्न से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम लोग को अगर कोई चेंज करना है, लाइक हम लोगों को एक पैराग्राफ सेट करना है या फिर किसी का फॉन्ट वगैरह सेट करना है, तो उस के लिए भी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सब स्ट्रिंग पे, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखा हुआ इंट बिगिन इंडेक्स, ठीक है, इंटीजर में देना है बिगिन इंडेक्स। मतलब हम लोग को कहाँ से सब स्ट्रिंग चाहिए। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है एक स्ट्रिंग से हम लोग एक छोटा सा पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं। लाइक अगर हम लोग इसकी बात करें, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ साई कॉलेज, अगर मैं लिखता हूँ साई कॉलेज, अगर मैं इसका सब स्ट्रिंग निकालता हूँ और इंडेक्स 4 से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सब स्ट्रिंग इंडेक्स 4 से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो हम लोग को रिटर्न मिलेगा
फोर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0, 1, 2, 3 और 4। 4 से हम लोग को पूरे स्ट्रिंग मिलेंगे, आगे तक जितना जो एंडिंग इंडेक्स है वहां तक का हम लोग को पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो यहाँ यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, हम लोग ने सब स्ट्रिंग जनरेट कर दिया है। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग हम लोग का साई कॉलेज था, उसमें से हम लोग ने एक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग निकाल लिया है, इसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि सब स्ट्रिंग रिटर्न्स सब स्ट्रिंग फॉर अ गिवन बिगिन इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। हम लोग यहाँ पे सब स्ट्रिंग में एंड इंडेक्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई एक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग ले, लेकिन वहां पे हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ तीन ही कैरेक्टर चाहिए, तो हम लोग 4,3 यहाँ पे ऐड कर देंगे। 4,3 से क्या होगा, बिगेन होगा 4 में, मतलब COC से बिगेन होगा और थर्ड इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है, COL, तो इतना हम लोग को मिलेगा। ठीक है, मतलब फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट होगा और उसके बाद थ्री कैरेक्टर्स को वो यहाँ पे काउंट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बिगेन इंडेक्स, इसको बोलते हैं एंड इंडेक्स। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया है फोर, तो फोर से स्टार्ट हो रहा है मतलब सी, और ये एंड इंडेक्स है तो पीछे चले जाएगा इंडेक्स नंबर 3, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बिगेन इंडेक्स में तो फोर से स्टार्ट होगा, फोर से स्टार्ट हुआ उसके बाद तीन कैरेक्टर 4, 5, 6 ऐसा, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा COL। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बिगेन इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, अगर हम लोग एंडिंग इंडेक्स नहीं डालते हैं तो जितने भी स्ट्रिंग है पूरा का पूरा रिटर्न करेगा, मतलब फोर्थ इंडेक्स के बाद जितना भी लंबा स्ट्रिंग होगा पूरे के पूरे कैरेक्टर्स वो रिटर्न करेगा, पूरा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मतलब वो स्ट्रिंग जो हो सब स्ट्रिंग जो बनेगा वो फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट होके जहाँ भी एंड हो रहा है वो पूरा का पूरा सब स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर हम लोग को कुछ एक पार्ट चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, एंडिंग इंडेक्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जितना भी अगर हम लोग को चाहिए उतना हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो फोर से स्टार्ट होगा और वहां से काउंट करेगा थ्री कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हमारा मेथड है कंटेन्स। कंटेन्स कैर सीक्वेंस एस रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स आफ्टर मैचिंग द सीक्वेंस ऑफ कैर वैल्यू। यहाँ कैर सीक्वेंस एस डालने का मतलब ये है, यहाँ पे पैरामीटर में हम लोग कोई एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पास करेंगे, लाइक कोई भी एरे ऑफ कैरेक्टर्स या फिर कोई स्ट्रिंग हम लोग पास करेंगे, वो किसी स्ट्रिंग से मैच करेगा और उसमें बस हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताएगा कि वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर है या फिर नहीं है, है या फिर नहीं है। ओके तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कंटेन्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वल्स। इक्वल्स चेक द इक्वालिटी ऑफ द स्ट्रिंग विद द गिवन ऑब्जेक्ट, चेक्स द इक्वालिटी ऑफ द स्ट्रिंग विद द गिवन ऑब्जेक्ट। हम लोग किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, कल हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना के देखा था, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से अगर तुलना करते हैं, मतलब वहां इक्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स में हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है हमारे पास बूलियन अवेलेबल है, तो बूलियन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों एग्जैक्टली सेम रहेंगे तो हम लोग को ट्रू मिलेगा, अगर एक कैरेक्टर भी डिफरेंट होगा या स्मॉल में भी होगा
तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करके मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इज एम्प्टी। इज एम्प्टी में क्या होगा, अगर कोई भी स्ट्रिंग, अगर उसमें कोई भी नंबर मतलब कोई भी कैरेक्टर्स नहीं है, मतलब वो स्ट्रिंग एम्प्टी है, कोई भी कैरेक्टर्स उसमें नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वो खाली है। ठीक है, उसको चेक करेगा कि कोई स्ट्रिंग खाली तो नहीं है। ये स्ट्रिंग हम लोग, ये फंक्शन जो है या ये मेथड जो है वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, लाइक हम लोग कोई भी ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बना लिए हैं और वहाँ कुछ वैल्यूज हम लोग को एंटर करनी है और मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है वो वैल्यू डालना, और वो वैल्यू को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो उस केस पे हम लोग वहां पे चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो वहां पे एंटर करना है वो खाली तो नहीं है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इज एम्प्टी सबसे पहले चेक करते हैं, अगर खाली होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई ना कोई स्ट्रिंग या फिर कोई भी ना कोई कैरेक्टर होंगे, एक भी कैरेक्टर होगा तो वो एम्प्टी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब होता है जोड़ना, एक स्ट्रिंग को जोड़ेगा दूसरे स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग कॉनकैट हम लोग यूज करेंगे एक स्ट्रिंग के साथ, जैसे हम लोग मान लो एस टी आर स्ट्रिंग लिए, एस टी आर डॉट कॉनकैट लिख लिए, लाइक यहाँ पे हम लोग ने लिखा है एस टी आर इक्वल टू साई, मैंने कर दिया ठीक है, और str1 इक्वल टू कॉलेज, ऐसा मैंने कर दिया। फिर मैंने लिखा str.concat और इसके अंदर मैंने पास कर दिया str1। ठीक है, तो यहाँ पे str की वैल्यू क्या है, साई है, str1 की वैल्यू क्या है, कॉलेज है, तो इस प्रकार से वो मर्ज हो जाएगा, मतलब जोड़ देगा स्ट्रिंग जो भी जिस स्ट्रिंग में अप्लाई करेंगे, जैसे str में मैंने अप्लाई किया तो str के बाद में जोड़ देगा, पहले नहीं जोड़ देगा, str के बाद में जोड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे str1 लिखता हूँ, 1.concat, और यहाँ पे मैं देता हूँ str, तब क्या होगा, ये जो str की वैल्यू है वो कॉलेज के बाद में जुड़ेगी, मीन्स जिस स्ट्रिंग में हम लोग अप्लाई करेंगे कॉनकेट मेथड, तो वो स्ट्रिंग पहले होगी, बाद में जो हम लोग जिसको भी हम लोग यहाँ कॉनकेटिनेशन करना चाहते हैं वो उसके बाद में जुड़ेगी। नेक्स्ट हमारा मेथड है रिप्लेस। रिप्लेस मेथड से हम लोग कोई भी कैरेक्टर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस मेथड को यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ में, और यहाँ पे हम लोग देंगे कैरेक्टर, ओल्ड कैरेक्टर और यहाँ पे न्यू कैरेक्टर। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुलशन, ठीक है, एक एस टी आर हम लोग ले लेते हैं, एस टी आर इक्वल टू मैं लिख लिया है गुलशन, ठीक है, एस टी आर डॉट रिप्लेस मैंने किया, क्या किसको रिप्लेस करना है, चलो मैं ए को ई कर देता हूँ, ठीक है, मैं किसको कर रहा हूँ, सिंगल कोट में दूंगा ए कॉमा, इसको मैं कर देता हूँ ई, ठीक है, तो जहां जहां पे ई होगा तो आउटपुट क्या आएगा हम लोग का, GULSHEN ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर ए है वो रिप्लेस किससे हो गया, ई से रिप्लेस हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर रिप्लेस मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिप्लेस कैरेक्टर सीक्वेंस ओल्ड कैरेक्टर सीक्वेंस न्यू।
यहाँ पे हम लोग किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर सीक्वेंस को भी रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ str.replace, मैं यहाँ पे लिखा डबल कोट्स के अंदर GUL, जो हमारा ओल्ड स्ट्रिंग है उसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं PUL से। PUL से हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम लोग आउटपुट क्या मिलेगा, PULSHEN, ये हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे अगर हम लोग किसी कैरेक्टर सीक्वेंस को भी हम लोग दे रहे हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इक्वल इग्नोर केस। लाइक यहाँ पे हम लोग जैसे इक्वल्स यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि वो इक्वालिटी को चेक करता है, यहाँ पे भी इक्वालिटी ही चेक करेगा लेकिन यहाँ पे केस को इग्नोर करेगा। कंपेयर्स अनदर स्ट्रिंग, इट डज नॉट चेक केस। ठीक है, जो लोअर केस अपर केस इस टाइप से जो भी केसेस होंगे उसको इग्नोर करेगा। इक्वल्स इग्नोर केस। नेक्स्ट आता है इंडेक्स ऑफ इंट कैर, इंट CH। यहाँ पे हम लोग कोई भी एक कैरेक्टर का इंडेक्स डालेंगे या फिर कोई भी कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। रिटर्न्स द स्पेसिफाइड कैर वैल्यू इंडेक्स। ओके, यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स रिटर्न करके मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडेक्स ऑफ इंट CH इंट फ्रॉम इंडेक्स। रिटर्न्स द स्पेसिफाइड कैर वैल्यू इंडेक्स स्टार्टिंग विद द गिवन इंडेक्स। हम लोग को स्टार्टिंग इंडेक्स मिलेगा किसका, जो भी हम लोग वहां पे कैरेक्टर पास करेंगे या फिर उस कैरेक्टर का इंडेक्स पास करेंगे। जनरली हम लोग यहाँ पे इंडेक्स ऑफ का यूज करते ही नहीं है, कभी भी यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग को किसी का भी इंडेक्स जानने की जरूरत ही नहीं होती है। क्योंकि अगर किसी इंटीजर वैल्यू को हम लोग को उसका इंडेक्स जानना है तभी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। हम लोग किसी कैरेक्टर का इंडेक्स तब जान पाएंगे जब हम लोग वहाँ कैरेक्टर एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या एंटर करना है, इंटीजर वैल्यू एंटर करना है। अगर कोई ऐसा हम लोग के पास स्ट्रिंग है जिसमें नंबर्स है तब हम लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ का इंडेक्स क्या होगा, तो हम लोग वहाँ पे नंबर को एंटर करेंगे और उसका इंडेक्स जानेंगे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इंट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग। यहाँ पे रिटर्न करेगा रिटर्न्स द स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग इंडेक्स। लाइक यहाँ पे अगर मान के चलो हम लोग कोई भी एक इंडेक्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं str.index ऑफ, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंडेक्स ऑफ लिखता हूँ, इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे मैं कोई भी एक सब स्ट्रिंग देता हूँ। सब स्ट्रिंग मीन्स क्या होगा, किसी का भी। लाइक यहाँ पे मैं दे रहा हूँ GUL का, मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स चाहिए। ठीक है, या फिर मैं SHAN कर देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग हमारा गुलशन है, ठीक है, स्ट्रिंग हमारा गुलशन है, ये वाला कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम लोग गुलशन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, और SHAN का हम लोग को क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। तो हम लोग को स्टार्टिंग इंडेक्स देगा, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 1, 2, 3, तो हम लोग को रिटर्न करेगा 3, 3 रिटर्न करेगा हम लोग को। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सब स्ट्रिंग का इंडेक्स हम लोग जान सकते हैं। अगर वहीं पे कोई हम लोग के पास नंबर्स के सीक्वेंस है, नंबर्स के सीक्वेंस पे भी क्या, नंबर्स
नंबर्स के सीक्वेंस पे भी हम लोग का स्ट्रिंग बन सकता है। यहाँ पे इस टाइप अगर कोई भी नंबर है, इसका अगर हम लोग को इंडेक्स जानना है तो वहाँ पे हम लोग इसका जो भी नंबर है वो पास करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 4। लाइक यहाँ पे 4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का 8 में आएगा, तो इसका आउटपुट हम लोग का क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ओके,